होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट्स प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बेड डॉर्मेट्री ह्यूज पार्किंग स्पेस कनरा देव रोड सागर जी। कितने वर्ष से यहाँ बैठती हैं देवी जी? 1905 स्थापना वर्ष है और आज तक 119 वर्ष से कंटिन्यू। ये देवी जी कंधे पर क्यों जाती हैं? 1905 में कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी ऐसी, इसलिए उस टाइम पे जो कंधे पे गई तो अमृत अभी तक कंधे पर ही जाती है। वो जो देवी जी इतनी प्रसिद्ध क्यों हैं? दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए ये देवी जी प्रसिद्ध हैं। जो हर साल देवी जी यही बनती हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये स्थानीय कलाकार शुरू से बना रहे हैं 1905 से, तो ये यहीं पर उनको पूर्ण स्वरूप दिया जाता है। कौन कौन सी होती है यहाँ पर? सुबह हमारी जो है ना मंगला आरती होती है, फिर 9 बजे श्रृंगार आरती होती है, 12 बजे राजभोग आरती होती है और शाम को 5 बजे सायंकालीन आरती होती है और रात्रि 9 बजे सायंकालीन आरती होती है। हमने यहाँ सुना दूर दूर से भव्य भीड़ पड़ती है यहाँ पर। माता रानी की आरती इतनी भव्यता से होती है कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसी के लिए, उसमें शामिल होने के लिए साल भर इंतजार करते हैं। देवी जी कितने वर्ष से यहाँ बैठती हैं? 1905 में इनकी स्थापना हुई थी और ये हमारा 119वां वर्ष है। और यहाँ आरती कितनी कितनी होती हैं? यहाँ पर 5 आरतियाँ होती हैं। कौन कौन? जो है ना मंगला आरती होती है और 9 बजे श्रृंगार आरती होती है, 12 बजे राजभोग आरती होती है और 5 बजे संध्या आरती होती है और रात्रि 9 बजे शयन आरती होती है। ये देवी जी कंधे पर क्यों जाती हैं? क्योंकि 1905 में वाहन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो 1905 से कंधे पे गई हैं तो वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और ये सुना है जी देवी जी हर वर्ष ऐसी ही बैठती हैं, ऐसी बनती हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1905 से स्थानीय कलाकारों द्वारा मूर्ति को पूर्ण रूप दिया जा रहा है, जो आज तक ऐसी परंपरा चल रही है। ये कहाँ बनती हैं देवी जी ऐसी? हम लोगों का सार्वजनिक दुर्गा महोत्सव भवन है, उसी में देवी जी का निर्माण होगा। Thank you.
दशरथ दीक्ष वाले। अच्छा जी, आपकी देवी जी को कितने साल हो गए? 50 से ज़्यादा समथिंग। अच्छा, कमेटी का क्या नाम? श्री हरदोल नवयुवक दुर्गा समिति। और यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? इधर पे ये अपना माता जी विराजमान होती हैं। हाँ। और अपना खेरमाई मंदिर है यहाँ, मतलब झांकी अभी हम लोग काफ़ी समय से चलते हुए आ रहे हैं। झांकी अभी मतलब गुफा वाली बनाते हैं, एक श्री राम जी की बनाई थी पूंछ से केले जाने वाली, लड्डू देने वाली। और यहाँ कमेटी के नाम का अखाड़ा है, श्री हरदोल अखाड़ा व्यायामशाला। और यह मूर्ति कहाँ से बनवाई है आप? ये सागर से ही बनी है। अच्छा, आपका विसर्जन कहाँ से निकलता है? ये अपना इस बार सिटी जाती है इस बार, लेकिन अपन भगवानगंज अप्सरा टाकी से वापस सदर नाइट का रहता है। हाँ। और मेहर जाते हैं। ये 40 साल वर्षों से रखी जा रही हैं। ये संकट मोचन काली कमेटी झूला वाली काली के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ भारी से भारी भीड़ पड़ती है। हमारी कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जी राठौर हैं, मैं इस कमेटी का सचिव हूँ। वो बोलो, झूले पर क्यों रखती है ये झूले पर प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ आदमी की मांग है कि झूला वाली कहाँ है। बड़ी दूर दूर से आदमी यहाँ आते हैं। यहाँ जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वे मिलिट्री से आते हैं, बहुत यहाँ पूजा करने आते हैं। वो विसर्जन कहाँ होती है? विसर्जन हमें महल ले जाते हैं इनको 11 के दिन। आनंद हेला ये कितने वर्ष से रखी जा रही देवी जी? 35 वर्ष से। पैंतीस वर्ष से जी। क्या आयोजन होते हैं?
यहाँ आप तैयारियाँ तो देख ही रहे हैं, अभी बाल बच्चों के गरबा वगैरह है और वो उसको क्या बोलते अपन भजन मंडली का कार्यक्रम भी होता है और साथ में चल समारोह भी चलेगा, इसमें दिन का कार्यक्रम होता है पूरा। छप्पन भोग का कब लगेगा? नहीं छप्पन नहीं, महाआरती होती है उसी दिन होता है छप्पन भोग का भी। विसर्जन कहाँ होती है? विसर्जन हमारे यहाँ होता है मेहर नदी में। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 4 है, नरियावली विधानसभा है और मोहल नंबर 11 मोती महाराज मंदिर काली कमेटी के नाम से जानी जाती है। तो कब से हो रहे हैं देवी जी स्थापित? 2000 से। 2000 से क्या 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 कार्यक्रम होते हैं नौ दिन? पहले काली जी रखते थे, हाँ, तो 2015 में प्राण प्रतिष्ठा कर ली, हाँ, फिर अभी क्या कहते साल 1.5 साल पहले नौ देवियों को विराजमान किया, फिर उसके कुछ दिन बाद बजरंग बली बाबा, शिव शंकर पार्वती परिवार, भगवान राधा कृष्ण भगवान, मर्यादा प्रसन्न श्री राम परिवार, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, भैरव बाबा और महादेव। किस वार्ड की हैं आप? मोहल नंबर 17। कितने वर्ष से रखी जा रही देवी जी? ये हमारे यहाँ पिछले 18 साल हो गए, इसको 18वां वर्ष है ये। झांकी काहे की लगती हैं जी? झांकी काहे की लगती हैं? ये केदारनाथ की झांकी लगाई है। और विसर्जन कहाँ होती हैं? ये हमारा मेहर में होता है। मेहर में कितने वर्ष हो गए? 18 वर्ष हुआ है। चल समारोह? हाँ चल समारोह हमारा दोपहर में 2 बजे से शुरू होता है और रात्रि मतलब शाम को 7 बजे।
स्थापना शुरुआत की थी गांव वाली के नाम से ये जानी जाती है। पूरे सदर में फेमस है गांव वाली, सदर में फेमस है काली गांव वाली के नाम से ही फेमस। क्यों है ये? हमारी काकी थी उनका नाम गांव वाली के नाम से प्रचलित था, त्रिवेणी गुप्ता नाम था उनका, लेकिन गांव वाली के नाम से उनको जाना जाता था। और हमने सुना है वो गांव की झांकी बनती है हर साल यहाँ पर, हर बार बदल बदल के झांकी बनाई जाती है। एक बार गांव में बनाया, पहले हम लोगों ने भेड़ाघाट बनाया, भेड़ाघाट 85 वर्ष में, उसके 25 साल पहले बनाया था। Hotel The Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suite, Presidential Suite, Bag, Dormitory. बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP, फोन 9302290822।